जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में भर्ती करवाए गए हैं इलाज के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कोरोना से ठीक होने के बाद अब दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने। अप्रैल में कोविड-19 से संक्रमित हुए थे निशंक और इसके बाद में एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई है। आज 12वीं की परीक्षा को लेकर घोषणा भी होनी थी, CBSE की 12वीं की परीक्षा को लेकर आज घोषणा होनी थी, लेकिन आज उनकी तबीयत खराब हो गई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें एम्स में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। और इस बीच एक और बड़ी खबर CBSE परीक्षाओं से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम बैठक हो सकती है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। परीक्षा के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से परीक्षाएं करवाई जाएं। जो 12वीं के छात्र हैं, 10वीं के जो छात्र थे, उनकी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, उनको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो महत्वपूर्ण है और ऐसे में किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर आज चर्चा होने वाली है, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। आज शाम को ये बैठक हो सकती है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सुल्तानपुर से भी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, कैंपस परिसर में दवाएं जलाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। CMO ने जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे मामले पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और सुल्तानपुर में दवाएं जलाई गई हैं, ये जानकारी मिली है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, हीला हवाली यहां पर देखने को मिली है। कैंपस परिसर में ही दवाओं को आग लगा दी गई है। इस पूरे मामले पर अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिलते ही CMO ने जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे मामले पर। इस वक्त की बड़ी खबर,